सुशांत सिंह मौत मामले में बहुत सी हीला हवाली, बहुत सा वाद विवाद, बहुत सा झूठ और फरेब सामने आने के बाद अब लगता है सुशांत को इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि अब मामले की जांच कर रही है देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई। और जब से ये केस सीबीआई के हाथ में आया है तब से ताबड़तोड़ इस मामले में एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं। सीबीआई इस केस की एक एक परत खंगाल रही है और अब जब सीबीआई गहनता से जांच कर रही है तो रिया चक्रवर्ती जो कि मामले में मुख्य आरोपी है उनको लेकर भी तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी का रिया पर आरोप है कि रिया चक्रवर्ती अपनी शॉपिंग के लिए सुशांत के कार्ड का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, जो रिया चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि उन्होंने सुशांत के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हीं पर सिद्धार्थ पिठानी ने संगीन आरोप लगाया है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने उन्हें एक बार बताया था कि रिया चक्रवर्ती अपनी शॉपिंग के लिए सुशांत के कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। सिद्धार्थ का दावा ये भी है कि सुशांत ने ही उनसे हार्ड डिस्क से अपने सारे वीडियोस और डेटा डिलीट करने के लिए कहा था। सिद्धार्थ का कहना है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत से काफी परेशान थे और सिद्धार्थ से अपने साथ कमरे में सोने के लिए कहा था। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा इन सभी से सीबीआई दिन रात पूछताछ कर रही है। इन सभी से लंबी लंबी पूछताछ कर सच उगलवाने का प्रयास कर रही है। हालांकि रिया के बयानों से तो सीबीआई संतुष्ट नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ और दीपेश के बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों ने सीबीआई से सरकारी गवाह बनने की रिक्वेस्ट की है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये दोनों सरकारी गवाह बनकर सीबीआई की मदद करना चाह रहे हैं। दीपेश और सिद्धार्थ वही शख्स हैं जो 8 से 14 जून तक सुशांत के साथ उनके घर में ही थे, यानी कि 14 जून को जब सुशांत का शव उनके घर में मिला था उस वक्त ये दोनों वहां मौजूद थे। और अगर ऐसे में ये दोनों सरकारी गवाह बनते हैं तो निश्चित तौर पर इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। पिठानी ने खुलासा किया कि जब 8 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर जा रही थी तो उससे पहले क्या हुआ था। पिठानी के मुताबिक उस रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। जाने से पहले रिया ने एक आईटी प्रोफेशनल को भी बुलाया था और उससे 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क नष्ट कराए थे। पिठानी के मुताबिक जब हार्ड डिस्क को नष्ट किया जा रहा था तब सुशांत भी वहीं पर मौजूद थे। उनके कहने पर ही हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया था। इसके बाद रिया सुशांत को छोड़कर अपने भाई शौविक के साथ चली गई थी। अब इन खुलासों के बल पर, साथ ही और तथ्यों के बल पर देखते हैं सीबीआई कब तक इस मामले को ठीक तरह से हल कर पाती है। केस बड़ा है तो समय तो लगेगा ही। सुशांत के फैंस, सुशांत के सपोर्टर्स, सुशांत का परिवार सभी सब्र रखे हुए हैं कि कैसे भी इस मामले में सुशांत को न्याय मिल सके। सुशांत के रहते तो उनकी जिंदगी को संवारा नहीं जा सका, कम से कम उनके जाने के बाद तो उनकी मौत का कारण जान उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके।